देखिए, हेमंत सोरेन ने SC ST एक्ट के तहत जो मामला दर्ज करवाया था, अभी जिले के सारे बड़े अधिकारी सीएम आवास पहुंच चुके हैं, जो जानकारी अभी आपको सर्वेश भी दे रहे थे। सर्वेश, जरा दोनों को क्लैरिफाई करते चलिए, बड़े अधिकारियों की झारखंड के सीएम आवास में मौजूदगी के मायने क्या है, दूसरी तरफ उस शिकायत और उसके बाद की कार्रवाई क्या संभावित आपको नजर आती है, क्या डेवलपमेंट दोनों खबरों को लेकर इस वक्त? पूर्णिमा, देखिए, जो डेवलपमेंट है वो आप साफ तस्वीरों में देख सकती हैं, किस तरीके से SSP की रांची की गाड़ी आपको सामने दिख रही होगी स्क्रीन पे। इसके अलावा आपको बताएं कि इसके पहले SSP रांची के जब अंदर दाखिल हुए थे, उसके पहले IG और DIG जो रांची के हैं वो अंदर दाखिल हुए थे, और माना यही जा रहा है कि SC ST एक्ट के तहत जो हेमंत सोरेन ने मुकदमा दर्ज कराया है, तो अगर उनकी गिरफ्तारी ED करती है तो ED के अधिकारियों की भी गिरफ्तारी हेमंत सोरेन अपनी झारखंड पुलिस के जरिए कराने की कोशिश करेंगे। हालांकि अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये थोड़ी देर में पता चल जाएगा, क्योंकि जो गहमा है, जो तस्वीरें हैं उसे साफ हो गया है कि कुछ तो अंदर चल रहा है जो कि बहुत बड़ा रूप लेने वाला है और जिसका नतीजा बहुत भयानक होने वाला है। पूर्णिमा, जरा एक बार फिर से तस्वीरें दिखाते चलिए, क्योंकि इस वक्त की स्थिति को समझना होगा। इससे पहले मैंने आपको यह भी पूछा सर्वेश की तोड़फोड़ विधायकों की, उसको लेकर डर किस बात का है, कैसी तैयारी चल रही है, और मान के चलिए कि इस दौरान संभावित जो आप कह रहे हैं ज्यादा इसकी संभावना है हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हो सकती है, क्योंकि विधायक तो लेटर पर साइन कर चुके हैं दो लोगों के नाम पर।